हेलो, तो सबसे पहले बातें बंद कीजिए, है ना। डांस आपने देख लिए ना, बहुत सारे कितने अच्छे अच्छे हुए। अब नाटक देखना है तो पहले बातें बंद कीजिए, साइलेंट होके दिखाइए सब, शांत। चलिए, आप मेरे को बार बार ना बोलना पड़े बीच में, नहीं तो नाटक बंद कर देंगे, ठीक है। चल, सभी को नमस्कार, आपके यहाँ आने का हार्दिक आभार। आइए आपको मिलवाते हैं कलयुग के चैंपियन से, जो कि जनमानस को परेशान करते हैं और अपनी विपदाओं से धूम मचाते हैं। तो आपके आगे प्रस्तुत है गैस, एसिडिटी और सुस्ती। जी हाँ, ये है आज के स्टार, इन्हीं से तो चलता है दवाओं का कारोबार। तो मैं हूँ कौन? मैं हूँ गैस। अरे भाई, वो सिलेंडर में भरे जाने वाली गैस नहीं, पेट में बनने वाली गैस, जिससे आदमी का पेट हो जाता है मोटा, है ना। और जो खाते हैं मसालेदार खाना, बर्गर पिज्जा, उनसे मैं करती हूँ प्यार। और जो योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो बनते हैं मेरा शिकार। और मैं कहाँ बनती हूँ? पेट में। मैं बनती हूँ पेट में, दिमाग में धूम मचाऊं, धूम मचाले, धूम मचाले, धूम मचाले, धूम मचाले, धूम मचाले। तो मैं कहाँ बनती हूँ? पेट में बनती हूँ, दिमाग में धूम मचाऊं, और सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, इन सब की मैं माँ कहलाऊं। इनके अलग है रुतबा, अलग है शान, हमारी गैस कितनी महान। आइए अब आपको मिलवाते हैं इन्हीं की बहन से, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अम्ल यानी एसिड। मैं पेट के गैस्ट्रिक ग्लैंड में बनता हूं। ओहो, समझाना पड़ेगा, तो ध्यान और कान लगाकर सुनिए। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बनता, जो खाना पचाने और तोड़ने का काम है करता। जब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा हो जाती है हद से ज्यादा, तब आती है मेरे जैसी यानी एसिडिटी की बाधा। अपच, पेट में जलन, कब्ज, खट्टे टिकार है मेरे यार। नॉनवेज, स्पाइसी, ऑयली फूड से है मुझे प्यार। मैं उनके घर में रहती हूँ जो योग और एक्सरसाइज से रहते हैं दूर, और फास्ट फूड और जंक फूड की मात्रा खाते हैं भरपूर। वाह, मजा आ गया, जरा जोरदार तालियां बजाइए और अपना दम दिखाइए। तो अब आपके आगे प्रस्तुत है श्रीमती सुस्ती। नमस्कार, मैं सुस्ती हूँ। मैं हूँ शरीर की साथी, मैं उन शरीरों में हूँ आती जहाँ गैस और एसिडिटी अपना घर है बनाती। नींद है मेरी सहेली, और आलस से है मुझे बहुत प्यार। गलत दिनचर्या और गलत खान पान करते हैं मेरा संचार। बैठे बैठे दुनिया की सैर कराऊं, हर काम में टांग अड़ाऊं, हर शरीर को कर दूं मैं शिथिल और हर प्लानिंग को बेकार। ऑर्डर करते रहो ऑनलाइन और करो मेरे क्लब को ज्वाइन। वेलकम वन, वेलकम ऑल।
क्या बात है, इन्हीं से तो हमारा सारा कारोबार है। गैस, एसिडिटी, सुस्ती, वाह वाह, जरा जोरदार। अरे अरे, ये किस बात का कर रहे हो प्रचार? मैं हूँ योग, हमें ये बात नहीं है स्वीकार। अरे योग श्रीमान, आपको क्या परेशानी है? लोकतंत्र है, हम चाहे जिसको प्रमोट करें, हम जिसको चाहे वोट दें। हमें भी अपनी बात कहने दो, हमें भी तो कुछ कहना है। तो आइए और फरमाइए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और प्यारे छोटे छोटे बच्चों, अब तक आपने सुना गैस, एसिडिटी और सुस्ती का राग। अब सुनिए हमारी बात। क्या गैस आपको परेशानी नहीं पहुंचाती? जी हाँ, पहुंचाती है। तो मैं क्या करूं, जब ये मसालेदार भोजन खाएंगे बार बार तो मुझे भी बुलाएंगे बार बार। बात तो सोचने वाली है। इसके है कुछ सरल निदान। पश्चिमोत्तानासन, बालासन, पवन मुक्तासन और कपालभाति, इन्हें प्रतिदिन अपनाएं और गैस से छुटकारा पाएं। मेरा तो बैंड ही बजा दिया इन्होंने तो। अम्लता यानी एसिडिटी आजकल आम है। इसका सबसे सरल उपाय व्यायाम है। योग एक्सरसाइज है जरूरी, अगर बढ़ानी, अगर मिटानी है बीमारियों से दूरी। एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। अगर आप ये सब अपने जीवन में अपनाएंगे तो मुझसे दोस्ती नहीं कर पाएंगे। मैं खाने तो पीने में रखें कंट्रोल, बाहर की चीजों को ना ना बोल। एसिडिटी से बचने के लिए हमें क्या करना है? प्रतिदिन वज्रासन में बैठना, खाने से पहले और खाने के बाद। बाहर की चीजों का त्याग, ठीक है? मैं तो चली। तो योग श्रीमान, अब बताएं सुस्ती रहती को कैसे भगाएं? अगर मुझसे है दूरी बनानी तो नियमित योग करना है जरूरी। खेले खुदे और करे दो योग और सुस्ती को भगाएं दूर। भाइयों और बहनों, अपने मन, मस्तिष्क और शरीर का रखें ख्याल, तभी सुस्ती और आलस का होगा समाधान। कपालभाति और भ्रामरी प्रतिदिन करें और सुस्ती और आलस को दूर भगाएं। एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, अच्छी आदतों को शास्त्र